कोविड-19 बीमारी फैलाकर विश्व में तबाही मचा रहे सार्स CoV-2 वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इससे न केवल इलाज की तलाश में मदद मिलेगी बल्कि अगर वायरस नए रूप लेकर फैलता है तो उसे पहचाना जा सकेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। जीनोम यानी किसी जीव में मौजूद आनुवांशिक तत्व। जीनोम सीक्वेंसिंग तकनीक वैज्ञानिकों को वायरस के DNA और RNA में मौजूद आनुवांशिक सूचनाओं को जानने और परिभाषित करने में मदद करती है। इसे किसी मरीज में मिला वायरस कहां से आया जाना जा सकता है। इतना ही नहीं, ये भी बात सामने आई है कि भारत में कोरोना के जीनोम स्ट्रक्चर में म्यूटेशन हुआ है। ये म्यूटेशन इस वायरस के S प्रोटीन के चिपकने की क्षमता को कम करता है। इसका मतलब ये है कि अब कोरोना के स्पाइक उस कदर शक्तिशाली नहीं रह गए हैं जैसे चीन में थे। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इटली में कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल में 3 म्यूटेशन हुए। तीनों म्यूटेशन खतरनाक थे और उन्होंने कोरोना वायरस को ज्यादा घातक बना दिया। दरअसल इन सब के बीच खास बात यह है कि आखिरकार जीनोम सीक्वेंसिंग से फायदा क्या होगा। आपको बता दें कि वायरस भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक खुद को बदलते हैं। वायरस के किसी खास स्वरूप के मूल ठिकाने को जीनोम सीक्वेंसिंग से पता किया जा सकता है, जैसे भारत में वायरस कहां से आया और कैसे पनपा। सभी देश अब डेटा को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वायरस के आनुवांशिक तत्व कहां से जुटाए जाते हैं। दरअसल वायरस के आनुवांशिक तत्व मरीजों की नाक से मिले स्वाब के सैंपल से निकलते हैं। DNA सीक्वेंसर से आनुवांशिक तत्व अलग किए जाते हैं और फिर अलग अलग स्थानों से सैंपल जुटाने पर सीक्वेंसिंग विस्तृत होती है। आपको बता दें कि सभी देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं डेटा जुटाने में। अब तक इस प्रकार के अध्ययनों में जिन देशों से डेटा नहीं मिला है उन्हें डेटा डार्क स्पॉट कहा जाता है। वहां से भी फिलहाल सूचनाएं मिल रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।